हे भगवान, इतने सारे टॉयज। हे, वो मेरा है, हाथ हटाओ। मैंने पहले देखा सिर्फ यही था। मैंने सुना यहाँ टॉयज है। एक डॉल, ये मेरी है, पर मुझे ये चाहिए। हाँ, तुम बहुत स्लो हो, तो तुम ये करना चाहते हो। हे, वहाँ पर क्या है? हाँ, अरे वाह, ये काम किया। ओ, ये गलत बात है। आज का दिन सबसे बुरा है। रुको, क्या ये डॉल है? ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अकेली और डरी हुई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये उसकी डॉल है। अजीब है। हाँ, तुमने हमेशा के लिए एक दुश्मन बना लिया है। क्या मुझे डरना चाहिए? सच में तुम एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया। क्या तुमने मेरे ऊपर पूप फेंका? ओ नहीं, मेरी डॉल। अब तुम पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर अब तुम गंदी हो गई हो। हाँ, तुमसे बदबू आ रही है। देखा, आया मजा। रुको, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? तुम यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ये डॉल हमारे साथ बात कर रही है। तुम एक ब्लू हेजहॉग के साथ बैठी हो और डॉल के बात करने पे हैरान हो रही हो। बस एक सेकंड रुको, ये मजेदार हिस्सा है। वो ये कैसे कर रही है? ये हुई ना बात, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वाओ, वो कितनी सुंदर है। तुम बहुत अच्छे हो, हम एक मेकओवर करने वाले हैं। खैर, तुम्हारी डॉल्स का क्या? तुमने सुना, तुम्हें यही तो चाहिए। तो कब शुरू करें? तुम्हारे पास अपनी डॉल्स को होबो से हॉटी में बदलने का सिर्फ एक घंटा है। ये प्यारा लग रहा है, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। और आजकल हैट्स बहुत चलती हैं। हम पहले क्या करें? लगता है तुम्हारी डॉल को फेशियल की जरूरत है। इसके पिंपल्स देखो कितने बड़े हैं। मैंने इन्हें छू भी कैसे लिया? उसके बात मत सुनो, तुम अभी भी खूबसूरत हो। तुमने देखा, उसका चेहरा पिज्जा जैसा है। बहुत फनी है, मैं ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। रुको, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। आराम से बैठ जाओ। माफ करना, मैं रुक नहीं पा रही। अच्छा लग रहा है, एक बार पॉप करो तो रुक ही नहीं सकती। वाह, इतना सारा, क्या निशाना है? हाँ, सीधा मुंह पर। ये बहुत जल्दी पिंपल है, अब इस गंक को निकाल देते हैं। तुम्हें क्लेंजर इस्तेमाल करने की जरूरत है, हम इसे बहुत अलग बना देंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं पूरा दिन कर सकती हूँ। लगता है सारे निकाल दिए। अब मैं तुम्हारे लिए हीलिंग फेस मास्क बनाती हूँ। इस ब्लू को बोल में डालेंगे, अब इसमें ग्लिटर डालेंगे। ये अच्छा लग रहा है और एक्सफोलिएटर जैसे काम करेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, अब सही है। अब ब्रश से इसे लगाएंगे, तुम्हारी त्वचा चमकने लगेगी। ऐसा लग रहा है मैं कोई आर्ट बना रही हूँ। ये मेरा मास्टरपीस होगा, मेरी अभी तक की सबसे अच्छी क्रिएशन। अब होगा जादू, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हें ट्वीजर्स से निकाल देंगे। मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं तुम्हें देखने का इंतजार नहीं कर सकती। अब ये और नहीं चाहिए, अभी और बहुत काम बाकी है। ये पेन काम आएगा, ये लिपस्टिक अच्छी नहीं है, ब्लैक ज्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ा तुम्हारे नोज पर भी लगा देते हैं। अब क्या करें? समझ गई, इस कॉटन स्वाब को लिपस्टिक पर लगाएंगे, अच्छे से कोट कर देंगे। ये परफेक्ट है। अब तुम्हारे चीक्स पर डैब करते हैं। अब दूसरी साइड। क्या कर रही हो? वो विश्वास नहीं होता, हम ऐसे क्यों खेल रहे हैं? अभी बहुत सारा काम बाकी है। इस ड्रेस को देखो, या इसे हटाना होगा। यहाँ ठंड हो गई है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है। हमें शेविंग फोम लगानी होगी। अब मैं अपना रेजर लेती हूँ। तुम लकी हो कि मेरा हाथ टिककर चलता है, तुम्हारी लाते एकदम स्मूथ हो जाएंगी। वो तुमने आखिरी बार वैक्स कब किया था? कोई बात नहीं, सभी के बैड हेयर डेज होते हैं। अब तुम आराम से टब में लेट जाओ, तुम्हें इसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। पानी का टेम्परेचर कैसा है? इतना गर्म काफी है, बहुत स्क्रबिंग करने की जरूरत है। क्या इतना भी बुरा नहीं है? हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। क्यों ना ये ट्राई करें? मुझे थोड़ा सोप चाहिए। वो जरा इसे देखो। रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कुछ बुरा हो। अच्छा लग रहा है, मुझे पैम्परिंग सेशन चाहिए। इसके लिए अपनी जरा सांस रोक लो, गुदगुदी हो रही होगी, सारा डर्ट निकाल देंगे। अच्छा लग रहा है ना? तुमने कुछ कहा? वो तुम्हें ये मिनी टब कहाँ से मिला? तुम्हारी डॉल बहुत लकी है। तुमने देखा? क्या कहा? हाँ हाँ, मुझे भी भूख लगी है, पर मैं हमेशा तैयारी के साथ आती हूँ। मेरे पास ये टेस्टी स्नैक्स की बास्केट है। क्या ये खाने की खुशबू है? एकदम स्वादिष्ट खाना। मुझे चिप्स बहुत पसंद है और चाहिए। ये क्रंची मुझे दो। ये देखो, उसके बालों में चूरा है। पिकाचू, क्या है? ओ नहीं,
क्या कर लिया, मुझे माफ कर दो। ये निकल नहीं रहा, ये इसमें फंस गया है। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक सेकंड रुको। क्यों ना मैं यूं ये लेती हूँ। उसे पता भी नहीं चलेगा। अब ये बाल निकाल देते हैं। मुझे वैसे भी तुम्हारे बाल पसंद नहीं थे। हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी कर लेना चाहिए। शायद तुम पर गंजापन सूट करे। नहीं, मैं गलत सोच रही थी। हम क्या करें? जरा रुको, ये यमी कैंडी स्ट्रिंग मेरा ध्यान भटका रही है। इससे मुझे कुछ याद आया। मैं समझ गई। तुम्हारे दोबारा से लंबे लंबे बाल होंगे। मुझे बस ये कैंडी स्ट्रिंग का बोल चाहिए। मैं इसमें तुम्हें डिप करती हूँ। कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। देखते हैं तुम कैसी लग रही हो। वाओ, तुम कमाल के लग रही हो। ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है, पर ये थोड़े ज्यादा लंबे हैं। हम तुम्हें हेयर कट देंगे, पर मैं सीजर इस्तेमाल नहीं करूँगी। इससे ये बहुत जल्दी हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि तुम्हारे बालों ने तो आग लगा दी। बस थोड़ी और, यहाँ गर्मी हो रही है, इतना काफी है। बहुत अलग लग रहा है। किसी चीज की खुशबू आ रही है। खाना कितना अच्छा है, देखकर मजा आ गया। अब एक ही चारा है। पिकाचू, दोस्त, मैं तुम्हारे स्नैक्स ले सकती हूँ? ठीक है, ले लो। ओह, सोडा, मेरा फेवरेट। जरा मैं थोड़ा पी लूं। बबल से मुझे गुदगुदी हो रही है, पर स्वाद बहुत अच्छा है। इतना काम कर मुझे प्यास लग गई। मजा आ गया। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे बाल, ये ब्लू है और ये कमाल के लग रहे हैं। हम दोनों के एक जैसे बाल हो गए। पता है, हमें इसे स्टाइल करना चाहिए। हिलना मत, ये जल्दी पूरा हो जाएगा। ओह हाँ, ये हुई ना बात। हे, मत करो। बस हो ही गया। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम ट्विंस लग रहे हैं। पिकाचू भी हमारे जैसा बनना चाहती है। अब कुछ मत कहना। अच्छा, मेरी एलर्जीज। अच्छा, ये सब तुम्हारी गलती है। उप्स, जो भी हो, मेरे पास और भी जरूरी काम है, जैसे कि ये प्यारे से कान अपने डॉल पर लगाना। ओह, कितनी प्यारी है। तुम पर ये लुक अच्छे लग रही है। जरा शांत हो जाओ। हिम्मत भी मत करना, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। खुश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े पुराने लग रहे हैं। ये कलर तुम पर अच्छा लगेगा। लगता है मैं फैशन डिजाइनर बन रही हूँ। पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे, अब इस तरह ये लाइन को काटेंगे। हम इसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर करेंगे। इसे एक ही तरफ रखेंगे। अब इस कपड़े को खोल लेंगे और बीच में एक और कट बनाएंगे। बस फोल्ड से पहले रुक जाएंगे। अब इस कपड़े पर डॉल रखेंगे। बस थोड़ी मेजरमेंट्स लेनी है, ये एक्यूरेट होना चाहिए। अब तुम आराम कर सकती हो। अब इस कपड़े को वापस फोल्ड कर देंगे। अब क्रीव के साथ एक छोटा सा कट लगाएंगे, ये इसकी स्लीव्स होंगी। चलो ट्राई करें, तुम बहुत खूबसूरत दिखने वाली हो। इन्हें सामने से साथ में जोड़ देंगे। जी हाँ, तुम्हारी नई ड्रेस तैयार है। ये परफेक्ट है, बुरा नहीं है। मैंने भी अपनी डॉल के लिए एक आउटफिट बनाई है। ये ब्लू ही है, मैंने स्नीकर्स भी बनाए। इससे इसकी लुक पूरी हो रही है। तुम्हें इसे देखकर किसी की याद आई? ये मैं हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। वो मैं एक्सेसरीज तो भूल ही गई। मुझे इसका कुछ करना होगा। मैं समझ गई, तुम्हें ये इयर्स चाहिए और एक टेल। ये मत पूछना मुझे कहाँ से मिले। मैं अभी आती हूँ। देखते हैं, चलो दिखाओ मुझे। ये मिनी मी है। जरा इसकी हील्स तो देखो। तुमने ऐसी चीज पहले कभी देखी है? मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। हाँ सच में। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, एक और चीज चाहिए। मेरे पास ये सुपर गुई स्लाइम है, बहुत स्ट्रेची है और मुझे यही तो चाहिए। इस डॉल का हाथ स्लाइम में प्रेस करेंगे। अब कवर कर देंगे, हाथ पर पतली सी कोटिंग आ जाएगी। अब इसे गर्म करेंगे, अब स्लाइम हार्ड हो जाएगी। ये कस्टम ग्लव्स हैं और वो भी बिल्कुल फिट होने वाले। लगता है सब हो गया। ये कैसी लग रही है? अब प्ले डेट का समय है। ओह, ये अभी से अच्छी दोस्त बन गई और इनके पास बहुत सारी बातें हैं। गर्ल, तुम्हारी आउटफिट बहुत अच्छी है, ये येलो में भी आती है। मैं तुम्हें अपने डिजाइनर से मिलवा दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो, हमें लंच पर चलना चाहिए। ये सारे बॉक्स कितने प्यारे हैं, मैं चुन नहीं पा रही कि कौन सा लूं। हेलो, ये बहुत रूड है। मैं डाउनटाउन में एक जगह जानती हूँ। हे, यहाँ देखो। ओह हाय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं ब्लू वाला बैग चुनूं या येलो वाला? चुनना बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है गर्ल्स, तुम्हें भी तो बैग्स चाहिए? ओह, हम ये तो भूल ही गए।
मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया है। मुझे अपना टूथब्रश चाहिए। मैं वैसे भी इस्तेमाल नहीं करती, मुझे इसकी प्लास्टिक केस की ही जरूरत होगी। इसे ग्लिटर में डिप करेंगे, अच्छे से लपेट लें, इसे घुमाते जाएं जब तक ये पूरा कवर ना हो जाए। जी हाँ, हो गया। वाह, इसकी स्पार्कल तो देखो। डॉल को और क्या चाहिए? तुम्हें पसंद आया? वाह, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें एक बैग दूंगी, बस यही रुक जाओ। हे, धीरे करो, आराम से। हो गया। वाह, कितना सुंदर है, तुम्हारे आउटफिट के साथ अच्छा लग रहा है। बस कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, ये लड़कियाँ पूरे शहर में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। मैं दोनों ही ले लेती हूँ। टाइम खत्म हुआ, अब तुम्हारी डॉल्स को देखते हैं। तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगी। वाह, ये तो कमाल की लग रही है। तुम्हारे बाल अच्छे हैं, अगर भूख लगे तो बहुत आसान है। हे भगवान, ये शूज और सोनिक, मैं क्या ही कहूँ, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। ये बॉब हेयर स्टाइल, तुम जबरदस्त लग रही हो। मुझे वो बैग चाहिए। और ये स्पीकर्स, क्या बात है, कलर कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। पर मैं ये नहीं चुन पा रही कि कौन सी डॉल बेहतर है। मुझे चुनो, मेरी डॉल को चुनो। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत होगी, किसकी डॉल ज्यादा बेहतर है नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं जानती हूँ चुनना मुश्किल है। ये समय आ चुका है, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। चलो मुझे रास्ता दिखाओ। हेलो, इतना काफी होना चाहिए। हाँ, ये परफेक्ट है। हाँ, मुझे नहीं लगा था इस समय कोई आएगा, बस कोई गड़बड़ ना हुई हो। हाँ, तो कौन है? मुझे यहाँ पर कोई शेनानिगंस नहीं चाहिए, शायद कोई जानवर ही होगा। एक मिनट रुको, क्या ये डॉल है? इसे मेरे दरवाजे पर कौन छोड़कर जाएगा? और ये इतनी गंदी क्यों है? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम मेरे साथ चलो। तुम कहाँ से आए हो ये तो मैं नहीं जानती, पर अब तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। ये मुझ पर छोड़ दो प्यारी डॉल, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स देखने होंगे। तुम थोड़ी सी बड़ी होती तो सही था। पर सबसे पहले तुम्हें साफ करना होगा। मैं बस सोच ही सकती हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। इसके लिए एक्स्ट्रा पेस्ट चाहिए होगा और थोड़ा ग्लिटर भी डाल सकते हैं। शानदार, चलो अब स्क्रबिंग करें। देखो, इसके ऊपर से गंदगी निकल रही है। हाँ, बस इंतजार करो डॉली, अब तुम्हें साफ कर देते हैं। आहा, तुम अभी से बेहतर लग रही हो। चलो एक गंदे कपड़े उतार दें। ये कपड़े और कितने गंदे होंगे। तुम नहाने के बाद अच्छा महसूस करोगी। अब तुम्हारी स्किन ट्रीटमेंट की बारी। हर डॉल ग्लो करनी चाहिए और मैं तुम्हारे ऊपर अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब अच्छा लग रहा है डॉली। अब तुम्हारी हैंडमेड फेस मास्क की बारी। ये तुम्हारे साइज में ढूंढना मुश्किल है, तो मैंने खुद ही बना दिया और लगता है ये फिट एकदम परफेक्ट है। चलो अब इसके मजे लो। और अब हम ब्लॉन्ड हेयर को बदलने वाले हैं। जी हाँ, अब तुम्हारे बाल एकदम काले हो जाएंगे, बिल्कुल रात की तरह। सैलून में भी वो ऐसे ही करते हैं ना? खैर, लगभग। बस कुछ मिनट ऐसे ही रहना है और बूम, ये हो गया। अब फेस मास्क उतार दो। बहुत बढ़िया है, परफेक्शन। खैर, तुम्हें कैसा लगा हैंड? अब मुझे जरा नेल्स दो। चलो भी, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, टिका कर रखो प्लीज। गर, ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? हैंड, क्या यहाँ तुम हो? बहुत गुस्सा आ रहा है, जो इसे चाहिए वो ये लेकर रहेगा। और मैं तुम्हारे साथ और क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे हाथों का क्या? मैं इन्हें और बेहतर बना सकती हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है। बस कुछ सामान की जरूरत होगी। उफ, मैं कब से यहाँ पर नहीं आई। यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं इस्तेमाल कर पाऊँ? ये कैसा रहेगा, मैं यही तो ढूंढ रही थी। तो लिटिल लेडी, तुम्हारे पॉज पर काम करते हैं। तुम एक्साइटेड हो के नहीं, पर पहले तुम्हारे नेल्स बनाने होंगे। तुम्हें कितने लंबे चाहिए? यहाँ से शुरू करते हैं।
और बाद में काट देंगे। ओ, बहुत ही मेहनत का काम था, पर अब थोड़ा काट ही देते हैं। अब इस पर कलर करेंगे। जब मैं कलर कहूँ तो उसका मतलब ब्लैक ही होता है। अब मैं स्ट्रेच कर लेती हूँ। मुझे अपने काम पर गर्व है, पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। हम आज नेल्स के अलावा और भी बहुत चीजें बदलेंगे। आंखों से शुरू करते हैं और दूसरी वाली भी। अब ये बिल्कुल साफ हो गई है। अब इस डॉल का स्टाइल बिल्कुल बदलने वाला है। हमेशा डार्क शेड्स ही अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हेलो, अब बेहतर लग रही है ना? तुम बस यहीं पर बैठ जाओ, मेरा काम हो गया। ओह, मैंने तो देखा ही नहीं। देखो मेरी आउटफिट सब खराब हो गया। इसमें कितना कचरा है। फिर क्या वर्कआउट था, ये गया इसमें। हे, ये क्या है? हे, तुम ठीक तो हो? मैं रो रही हूँ। हे भगवान, तुम बात भी करती हो? मुझे अपना पुराना घर याद आ रहा है। बेचारी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, ठीक है? चलो अब अपने आंसू पोंछो। हाय। तो चलो प्रिटी लेडी, हम तुम्हें पहले साफ करते हैं। पहले बालों से शुरू करेंगे और ये शर्ट हटाना होगा। और ये क्या है? आराम से करूंगी, इसमें बहुत सारा कचरा फंसा है। अब हम इन लेग्स का क्या करें? ये बिल्कुल नहीं चलेंगी। तो आज तुम्हारा स्पा डे होगा। बढ़िया। अब चलो तुम्हारी लातों के बाल हटाएंगे। डरो मत, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जब ये हो जाएगा तो तुम्हारी लातें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। हाँ, अब एकदम साफ हो रहा है। तुम्हें एकदम अलग महसूस नहीं हो रहा? ये बाल। आउच, आउच, लो। अब फेशियल टाइम। मैं तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा ग्लिटर लगा रही हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत है। और अच्छे से स्क्रब करने से तुम्हारा चेहरा और साफ हो जाएगा। डर्ट निकलती हुई नजर आ रही है, तुम एकदम नई जैसे चमकने लगोगी। और अब ये बहुत बड़ा है, ये चलेगा। कितना प्यारा है ना? चलो एक्सफोलिएट करें। ये बिल्कुल गेम चेंजर की तरह काम करता है। तुम्हारी स्किन सिल्की स्मूथ हो जाएगी। चलो। ओह, मेरे पास यहाँ टॉवल है, शुक्रिया। तो क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल नई डॉल जैसी हो गई हूँ। ओह, जरा रुको, अब तुम आराम भी करोगी। यहाँ पर गठे बनी हुई है। हाँ हाँ, मसाज कर निकाल दो। ओह हाँ, इतना प्रेशर अच्छा है। ध्यान से, पैरों पर गुदगुदी हो रही है। ओह, क्या ये वॉर्म मड मास्क है? पर मैं अभी नहाई थी, याद है ना? और चाहिए? अब तुम्हारी लातें सॉफ्ट हो जाएंगी। तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? जब ये हो जाए तो मैं टेल्स भी कराऊंगी, इससे बेहतर और क्या होगा। अब तुम पूरी कवर हो चुकी हो, पर अब ये पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी स्किन में ये एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। ये साइज परफेक्ट है, बस थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहो। अब तुम्हें पलट देते हैं। अरे हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं स्नैक खाऊंगी। एकदम मीठा है, बस एक बाइट और। हाँ, ये मेरी आखिरी बाइट होगी। मैं इसके 5 जार्स खा सकती हूँ, पर आज मेरे पास सिर्फ एक ही है। लगता है स्किन तैयार है। ये तो चमक रही है, तुम्हें अब बहुत जबरदस्त महसूस होगा। पार्टी टाइम। वो शायद हमने ज्यादा डांस कर लिया। चलो बालों को देखते हैं। एकदम बदल मत देना, वो तो मैं खुद ही देख लूंगी। घबराओ मत, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। लेकिन ये इस नॉट में फंस गया है। ये अटैच्ड है। ओप्स, पर ब्रश ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपने हाथ को टिका कर रखना होगा। पर यार, ओह नहीं, फिर बच गए। ठीक है, जो भी हो। ओह नहीं, तुम्हारे बाल कहाँ गए? याइक्स। चलो कुछ और सोचते हैं, मेरे पास कुछ और भी है।
ओह, ये काम आ सकता है। पहले हम शेव करेंगे। इस बार काफी स्मूथ हो रहा है और तुम पर ये कूल लग रहा है। पर इस स्टाइल को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ब्लॉन्ड कर्ल्स कैसे रहेंगे? क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और तुम्हें? और ये बीच में पिंक कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, कितने अच्छे हैं। और अब तुम्हारी बारी है डॉली। ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है? ओह नहीं, जरा थोड़ी मदद कर दो प्लीज। ठीक है, रुको। ओह ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर मेरे पास ग्लू गन होती, अब तुम्हारे भी बिग लिप्स होंगे हनी। बस इसकी शेप सही होनी चाहिए, बस ये ग्लू जैसा ना दिखे। इसलिए हम पिंक लिपस्टिक लगा देंगे। हाँ, अब मेरी नेल्स की बारी। तुम्हें वो लंबी चाहिए ना? हाँ, मैं जानती हूँ, इतने भी नहीं। मैं इन्हें यहाँ से काट दूंगी। थोड़ा सा और। लो, मैंने कहा था ना इतने लंबे नहीं होंगे। और अब कलर की बारी। तुम्हें बबल गम पिंक पसंद है ना? क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत सूट करते हैं। ओह, मुझे बहुत पसंद है। हेयर कैसा लगा? अब इसे किस्मत पर छोड़ दो। पता नहीं ये फिट आएगा या नहीं। अगला। बहुत सस्पेंस है। इससे मेरी कर्व्स नजर आ रही है ना? चलो एक बार और ट्राई करते हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं फंसी हुई हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। ये अच्छा नहीं है। ओह, इसका जवाब तो मेरे सामने ही था। बस थोड़ी सी ऑल्टरेशंस करनी है। तुम यहीं रुक जाओ। गर्म पानी से श्रिंक हो रहा है और इस तरह ये तुम्हारी बॉडी पर फिट आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारे लिए ही बना हो। हाँ बिल्कुल, एकदम फिट आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पर रुको, तुम ठीक नहीं लग रही। मुझे बाथरूम जाना होगा, मैं बीमार होने वाली हूँ। ये इतना ऊंचा क्यों है? कूद कूद कर भी नहीं पहुँच पा रही। मदद चाहिए? ठीक है, सभी के पास टॉयलेट होना चाहिए। और ये हाइक तुम्हारे लिए सही रहेगी। लो, हमें यही पीस चाहिए। ऊपर के लिए एक राउंड पीस लेंगे और बैक भी। लो, ये रहा टैंक। अब इसे बेस पर लगा देंगे। हाँ, ये लो। हट जाओ दोस्तों। ओह, लगता है तुम ठीक नहीं हो। पर कम से कम ये मेरे फर्श पर नहीं हुआ। और गुड न्यूज है, यहाँ पर दो लाइंस है। हाँ, लगता है मेरा बच्चा होने वाला है। ये हाँ, अब गहरी सांस लो। लो, अब छोड़ो। कोई बात नहीं, मुझे सर नजर आ रहा है। अपने नए बच्चे से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत प्यारी है, पर इसे सोने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं उसके लिए कुछ बनाऊंगी। ये बहुत प्यारा होगा। हाँ, बस सोने ही वाला है। देखा, अब इसे कंफर्टेबल बनाएंगे। उम्मीद है उसे पसंद आए। बस यहाँ एक हैंडल लगाएंगे और प्यारी सी लेस। बढ़िया, ये लो प्यारी बच्ची। तुम कितनी खास हो, तुम्हें पता है? लो, लगता है तुम्हारी नर्सरी में फिट हो गया। पता नहीं ये बड़े होकर क्या बनेगी। हाँ, कौन है? हेलो, कोई है? हे, यहाँ पर, मुझे देख पा रही हो? खैर, आ जाओ, तुमसे मिलने कोई खास आया है। ये तुम्हारी बेटी है और ये उसकी खूबसूरत माँ के लिए है। तुम कितनी प्यारे हो, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मेरी जान। तुम, मैं और हमारी प्यारी एंजल। ये डॉल बहुत बोरिंग है, हटाओ इसे। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है, जरा इसे देखो, वो कितनी खूबसूरत है। ला ला ला, कचरा फेंक देते हैं। हाँ, ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई कैसे फेंक सकता है? कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी नई मॉमी हूँ। ये क्या? ठीक है, ये कुछ अलग है। मैं कहाँ हूँ?
ये क्या हो रहा है? वाह, इस जगह को तो देखो। क्या ये मेरी डॉल है? नहीं, ये मेरी है। कोई बात नहीं, मेरे पास अब बेहतर डॉल है। जरा खुद को देखो, कितनी गंदी हो गई हो। तुम्हें साफ करना होगा। ऐसे ही रहो। हाँ, ओह, ये लीक हो रहा है। इससे नहा लेती हूँ। अच्छा लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। बस कुछ ड्रॉप्स यहाँ, इतने काफी है। इससे तुम साफ हो जाओगी और बिल्कुल नई जैसी दिखोगी। कभी कभी हम सबको पैम्परिंग की जरूरत होती है। आराम से बैठ जाओ। इतना छोटा सा टूथब्रश, आराम से। अब अपना मुंह खोलो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें देखने के लिए सनग्लासेस लगाने पड़ेंगे। तुम्हारी दांत चमक रहे हैं। अब मेरी बारी। ओह, मजा आ गया। ये होती है जिंदगी। तुम्हें मजा आ रहा है? तो अब हम क्या करें डॉली? तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा, थोड़े बोरिंग है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है। मैं बाल स्टाइल करने में एक्सपर्ट हूँ। ये तुम्हारी गलती थी। चलो दोबारा ट्राई करें। ऐसा लग रहा है तुम्हें झाड़ियों से खींच कर लाए हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डार्लिंग। मैं समझ गई। वाओ, मेरी डॉल के लिए बुलाया है। ठीक है, तो फिर स्पेशलिस्ट टूल्स चाहिए होंगे। वो कहाँ है? आहा, मुझे यही तो चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी होगा। हिलना मत। पहले एक बोल चाहिए, इसमें पानी डालेंगे। अब थोड़ी फूड कलरिंग, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब अच्छा लग रहा है। मेरा क्लाइंट कहाँ है? डॉल के बालों को पानी में डिप करेंगे। पानी ठंडा तो नहीं है? ये मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो एक डॉल हो। बालों को अच्छे से पानी सोखने देंगे। अब बालों को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि पानी ना रह जाए। अब हमें तुम्हारे बालों को सुखाना होगा। वाह, ये कलर तुम पर जच रहा है, बहुत सुंदर है। तुम्हारा हो गया? वो तुम बहुत अलग लग रही हो। हाँ, तुम मुझे पे करना होगा। ओह अच्छा, तुम कैंडी लेती हो? तभी मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती। मजा आ गया, बहुत अलग लग रहा है। वो उसके बालों को तो देखो। तुम्हें भी नए लुक चाहिए? आखिरी बार तुमने कब शैम्पू किया था? मैं क्या करूं? एक मिनट रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। पहले डॉल को टेबल पर रखेंगे, अब इसे एक हेयर कट देंगे। वाह, तुम छोटे बालों में अच्छी लग रही हो। तुम गंजी अच्छी नहीं लग रही। इस स्प्रिंग को डॉल के सर में लगाएंगे। अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका लुक बहुत जबरदस्त आएगा। अब फालतू की स्प्रिंग काट देते हैं और वापस सर लगा देते हैं। वाह, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे जलन हो रही है और एवा को भी। ये चॉकलेट स्प्रेड स्वादिष्ट है, तुम ट्राई करो। ओ नहीं, मैंने तुम पर गिरा दी। मुझे माफ कर दो, अब चेंज करना होगा। शुक्र है मेरे पास और आउटफिट्स पड़ी हैं। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, ये प्यारी है ना? चलो ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हर आउटफिट में अच्छी दिखती हो। बहुत शीक लग रही हो, तुम्हें कैटवॉक पे होना चाहिए। वो मैं क्या ही कहूँ, और हाथ में क्या, बढ़िया है। कुछ कैजुअल हो जाए, ये देखने में कितना बढ़िया है। खूबसूरत भी और कैजुअल भी। दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो ये आउटफिट सबसे बढ़िया रहेगी। और पार्टी में आपको ही सब देखेंगे। बहुत अच्छी लग रही हो। वाह, उसके कपड़े तो देखो, ये मेरे वार्डरोब से भी बेहतर है। हमें तुम्हें ड्रेसेस दिलानी होगी। चलो शॉपिंग करें। अरे इसे कपड़े पहनाओ। उप्स, माफ करना, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखूं। शांत रहो, उसने पहन लिए हैं। हे एवा, पस्ट, मैं वो ले सकती हूँ? वो सॉक तुम्हारे पीछे, मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है। प्लीज दे दो, मुझे वो चाहिए। ठीक है, ये लो। बहुत गंदा है। शुक्रिया, ये काम आ जाएगा। पहले हमें सॉक का टो काटना होगा। बिल्कुल इस तरह। अब मैं दोनों तरफ छोटे ट्रायंगल्स काटूंगी। अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहोगी?
वाह, बहुत अच्छी लग रही है। काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। थैंक्स ईवा। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जो भी हो। क्या गड़बड़ है? एक बेली, उसके साथ चलना मुश्किल होगा। मैं बेली बना सकती हूँ या नहीं? इसे इसमें से बना दें क्या? है ना? लगता है ये ठीक रहेगा। चलो ट्राई करते हैं और राउंड बॉल से शुरू करेंगे। थोड़ी मदद चाहिए होगी। ये हाफ सर्कल काम करेगा। बस इसे इस तरह प्रेस करना है। हमें अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। फालतू का हिस्सा काट देंगे और आम सीजर्स ही काम आएंगी। लो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब सही शेप भी मिल जाएगी और इस बैंड से बेबी इसमें ही रहेगा। उम्मीद है ये उसके लिए काफी हो। ये है तो बिल्कुल सॉलिड। हाँ, बेबी फिट हो गया। ये लो मॉमी टू बी, तुम प्रेग्नेंट होकर बहुत प्यारी लग रही हो और चमक रही हो। क्या क्या हुआ? क्या तुम्हें लेबर पेन हो रहा है? ओ नहीं, कोई डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ बेबी होने वाला है, आ जाओ। उसका बेबी बस होने ही वाला है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरे लिए रुको, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। हाँ, ये रहा उसके लिए ब्लैंकेट। बस उसे इतना पसीना नहीं आना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक हो डॉली। हम इस बेबी को बिल्कुल सेफली निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। और वो आ गया, कितना प्यारा है ना? बिल्कुल अपनी मामा जैसा। बधाई हो, लड़का हुआ है। वाह, ये तो परफेक्ट है हनी। वाह, और कितनी प्यारी फैमिली है। मैंने कहा था कि मैं नहीं रोऊंगी। तुम दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स बनोगे। देखो ये सब कितने प्यारे हैं। हमें बहुत सारी बातें करनी है। लगता है समय हो गया है जब ये असलियत में बदल जाए। बस इसे अच्छे से बांध देना है। ज्यादा दर्द नहीं होगा, घबराओ मत। और इसे तुम्हारे सर पर रखेंगे, ये बहुत जबरदस्त होगा। ये मुझे करने दो। तो चलो, अब हम इसे जिंदा कर देंगे। लो, कुछ हो रहा है? तुम्हें लगता है ये काम कर रहा है? वो अब कभी भी बदल सकती है। वो जिंदा हो गई। तुम्हें विश्वास हो रहा है? वो सच में जिंदा हो गई। इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है स्वीट डॉल। ओह नहीं, मैंने क्या कर दिया? जरा देखने दो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? हम आर्ट एक्सपर्ट्स हैं हनी, चिंता मत करो। हमने शो के बारे में सुना। क्या ओरिजिनलिटी है। ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही अनोखे हैं। मैंने उससे अच्छे अच्छे भी देखे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगा। और तुम्हें? मैं श्योर नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे पसंद आया। ये हुई ना बात, मैं चाहती हूँ ये परफेक्ट हो। एक आइडिया है, एक पानी का बोल चाहिए और फिर उसमें नेल पॉलिश डालेंगे, अलग अलग कलर्स डालेंगे, ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए। इतना काफी है। और अब इसमें शू डालेंगे, इसे पानी में इस तरह घुमाएंगे ताकि सारे कलर्स आ जाएं। वाह, जरा इसे देखो, मेरे डॉल के अब कस्टम शूज हैं। वाह, कमाल कर दिया। मिलान के फैशन हाउसेस बहुत जलेंगे। हम ये ले चलते हैं। हाँ, उसने एक नेल वार्निश में शू को डिप किया। अगर आर्ट इतना इजी होता है तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे शू ढूंढना होगा। चलो भी, कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सारे ही बहुत महंगे हैं। अब मैं क्या करूँ? समझ गई, मेरे पास इमरजेंसी के लिए पैसे पड़े हुए हैं। लगता है इसे चूहे ने ढूंढ लिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मैं क्या करूँ? शायद इसके नीचे थोड़े पैसे हो। ओह, एक ग्लू गन और पेंस, ये काम आएंगे। चलो थोड़े क्रिएटिव हो जाएं। पहले अपने डॉल के पैर पर बलून पहनाएंगे, इससे गंदे नहीं होंगे और सॉक्स जैसे लग रहे हैं। अब बलून पर ग्लू लगाएंगे, ये मेरा मोल्ड बनेगा। अब एक फोम का पीस चाहिए, फुट की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसे काट लेंगे। अब मैं इसमें कलर कर सकती हूँ, मैं एक रेनबो इफेक्ट बनाऊंगी अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हुए।
वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। फोम के एक साइड पर ग्लू लगाएंगे, अब इस पर मोल्ड लगा देंगे। वाह, होममेड बूट्स। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ग्लू को कलर करने के लिए करेक्शन फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे। पेन से छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स बनाएंगे। ये बहुत कूल है और ये मैंने खुद किया है। उम्मीद है मेरी डॉल को पसंद आए। चलो ये ट्राई करें। इसकी फिट बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, शानदार। तुम बहुत फैशनेबल लग रही हो। तुम्हारा टैलेंट नेचुरल है। हाँ, वाह, जरा उसे देखो। मैं सपना तो नहीं देख रही। हमने एक जीनियस ढूंढ लिया है। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे वो बूट्स देखने होंगे। ओह हे, ब्रावो, तुम्हारा काम लाजवाब है। शुक्रिया, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे लिए है। रुको, तुम्हें बूट्स खरीदने हैं? ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरी डॉल के हैं। पर हम तुम्हें फेमस कर सकते हैं। मैं बस चाहती हूँ मेरी डॉल खुश रहे। चलो यहाँ से चले। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। रुको, तुम्हें खुद का फोन चाहिए होगा। ये मैं तुम्हारे लिए लाई। अब हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत रूठ था, तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो दोबारा ट्राई करें। जरा इस ब्रश को पकड़ो। मुझे इसे जोड़ना होगा। तुम्हारा शुक्रिया। ये मुश्किल है। बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है। मेरी डॉल के हाथ तो बहुत छोटे हैं। अगर मैं इसे मैं एक बैग डिजाइन कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया रहेगा। बेकार लग रहा है, बहुत ही बोरिंग और प्लेन है। दोबारा शुरू करना होगा। फोकस करो एवा, हम ये कर सकते हैं। ये काफी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ चेन स्क्रैप चाहिए। वाह, लाजवाब। मुझे एक डिजाइनर होना चाहिए था। मैं एक जीनियस हूँ। अब गोल्ड फोम चाहिए। इसकी क्रॉस शेप काटेंगे। अब इसके एडिसिव पैकिंग हटा देंगे। इस तरह एजेस को फोल्ड करेंगे और इस तरह प्रेस कर देंगे। अब एक लंबा सा सेक्शन इस पर फोल्ड करेंगे और ये बन गया बैग। अब मुझे बस चेन चाहिए। वाह, मैं ये जरूर पहनूंगी। ये लो, अब तुम्हें यही चाहिए। इस पे तुम अपना सारा सामान रख सकती हो। बहुत सारी जगह है और तुम्हारा फोन भी इसमें आ जाएगा और हेयर ब्रशेस भी। देखो सब आ गया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इसकी एक पिक्चर चाहिए। मैं जरूर पोस्ट करूंगी। स्माइल। हम लाइव हैं। आपके पास आपके फैंस के लिए कोई मैसेज है? ओह हाय, मेरी अच्छी साइट से लेना। हाँ, तुम हटो लेडी, मैं डॉल से बात कर रहा हूँ। माफ करना। हे, तुम यहाँ से हटोगी? ये बहुत गलत बात है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यही मौका है, मैं ये ले लेती हूँ। यही तो चाहिए। जल्दी करना होगा, मैं नहीं चाहती कि एवा देखे। पहले ये पैच काटेंगे। इसकी कलर्स मुझे बहुत पसंद है। अब एक जिपर चाहिए। दोनों साइड्स पर ग्लू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्लिटरी फोम लगाएंगे। अब इसे शेप देंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और एक कार्ड के पीस पर चिपका देंगे। अच्छे से चिपका दें। कोनों पर ग्लू लगाएंगे। शुक्र है मेरा हार्ट टिक कर चलता है। इतना काफी है। अब इस पर और फोम लगाएंगे, कोई गैप्स नहीं छोड़ने। दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसे ही शेप का एक पैच काटेंगे। अब इसे फोम पर लगा देंगे। अब दो जगह ऐसे ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। इस पर छोटा सा फैब्रिक का पीस लगा देंगे और जहाँ पैच नहीं है उस साइड भी। ये बन गया मेरी डॉल का बैकपैक। ये देखो, इस पे तुम अपना सामान रख सकती हो। वाह, काश मैं भी तुम्हारी तरह दिख पाती। हम थोड़ा जल्दी कर लें। ये आनी बैग कहाँ से लाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह शुक्रिया, प्यारा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। रुको, क्या ये मेरी ड्रेस है? क्या? नहीं, यहाँ कोई ड्रेस नहीं है। मुझे बस, हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।